وعشرة معيشة ميديا مذهب السلام عليكم चैनल एम फाइव से नसरीन हुसैन परवेज़ उसी गुफ्तु के तसलसल में आपके सामने हाज़िर है मैं बात कर रही थी नज़ीर नाजी के बेटे अनिक नाजी के बारे में आरज़ू काज़मी के बारे में आदिल राजा मोहित पीरजादा हैदर मेहदी ये सारे वो किरदार हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है सिर्फ आरज़ू काज़मी है वो भी मुझे नहीं मालूम ये आज से कुछ साल भर पुरानी बात है कि पता चला था वो यहीं रहती हैं इस्लामाबाद में और मेजर गौरव आर्या से उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती है और वो फिर एक साहब ने मुझे कहा कि नहीं वो तो डबल एजेंट हैं और वो उनको जो है ना वो पेनिट्रेट किया हुआ है और वो इसलिए हिंदुस्तान के साथ हैं इंडिया के साथ होती हैं कि इस तरह इंडियंस उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं वैसे ये फार्मूला और ये मैथडोलोजी ये मॉडस ऑपरेंडाई पिट चुका है इसमें एक दो लोग मारे भी गए कत्ल भी हुए हैं शाहिद हामिद का कत्ल है वर्ल्ड बैंक के पेरोल पर थे ऑफिशियली वो थे लेकिन वो साथ में यहाँ हमारी एजेंसी इसके साथ भी थी तो पता नहीं चल सका कि किसने मारा उनको किराए का कतिल जो भी था उसको फांसी हो गई सौलत मिर्जा को लेकिन वो किराए का कतल था बैतुल्ला महसूद किराए के कतल को नहीं पता कि जो असाइनमेंट उसे दी जा रही है वो वो उसमें वो कौन है जिसे वो मार रहा है वो कौन है और क्यों मार रहा है ये भी उसे नहीं पता होता बस उसके सामने उसका मकसद होता है कि उसको पैसे या यादा मिलेगा तो आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तलबात के हवाले से गुफ्तू करते हुए कही मैं उससे एग्री ये भी हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है मैं तो ख़ुद अपने क्लिप में कह चुकी हूँ कि तालबात हों या कोई भी ख़ुतान सरकारी दफ्तरों में हों या किसी भी शोबे से वाबस्ता हूँ जिन्होंने ये सोच लिया होता है या टेलीविजन की एंकर्स हैं मैंने बात की थी कि जो नालायक लड़कियाँ थी चूँकि वह अपने प्रोफेशन में वहाँ नहीं जा सकती थी जहाँ के लिए उनके इस ने उन्हें अप्रूव नहीं किया था तो फिर उन्होंने नाम के साथ डॉक्टर ज़रूर लगाते हैं उसमें मैंने एक मॉर्निंग शो की एंकर और एक आजकल भी एंकर हैं उनका भी बताया था और एक मॉडल हैं और टीवी वी ड्रामों में भी काम करती हैं ये सब डॉक्टर्स हैं बाई प्रोफेशन दो डेंटिस्ट हैं डेंटिस्ट सर्जरी कहती हैं अपने आप को और एक सिंपल एम तो ये सब इसलिए होता है कि इन इनका अपने पेशे और नज़रिए और अपनी तालीम के साथ वास्ता बिल्कुल दुनियावी होता है और मादी चीज़ों पे यकीन रखने वाले वाली ख़वात अच्छा मर्द भी बेतहाशा है लेकिन चूँकि हमें हमारे यहाँ मर्द को एक बहुत मुकद्दस गाय बना दिया जाता है वो फ्लर्ट करे वो तीन तीन चार चार शादियाँ करे बग़ैर शादियों के भी जना करता रहे मर्द को सब जायज़ है ये हम हम मेल शोबिनज़म में हम मर्दों की सोसाइटी में रहते हैं वही काम औरत करे तो हम उसको सौ जूते मारते हैं उसको तनकीद का हदफ बनाते हैं बहरहाल हमारे मजहब ने कहीं भी नहीं कहा कि एक ही जैसा काम जो मर्द करे या औरत करे उसमें मर्द को छुट्टी है उसको कोई गुनाह स्वाब से वो बिल्कुल मुबर्रा है और औरत करे तो वो तो सीधी दो की आग में जलेगी मैं उस नज़रिए से बिल्कुल इतफ़ाक़ नहीं करती जी वो देखें मर्द को तो इजाज़त है ना वो चार शादियां शरह हाँ लेकिन वो साथ में उसकी शर्त भी है कि क्या आप उन सब के साथ वो इंसाफ कर सकते हैं जो एक बीवी का हक है अगर नहीं कर सकते तो मत करें वो फिरशी है मज़हब की आड़ लेकर तो अनी नाजी साहब आपने फरमाया है कि ये सारे ख़राब लोग थे फ़ौज करप्ट है जर्नेलों की आपने ऐसी की तैसी करके रख दी उसमें आपने जर्नेल का तो ज़रा कम फौज आप जब आप लोग ये कहते हैं कि फौज करप्ट है और ये इस मुल्क को बेच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ कर और आप यहाँ क्या करते रहे आप यहाँ दुनिया टी के साथ थे पहले उसके बाद शायद आपने एक और चैनल ज्वाइन कर लिया था आप आफ्ताब इकबाल ये ये वही पूरी चेन है जिसने उन चैनल्स के साथ भी वफ़ादारी नहीं की और पैसे के पीछे भागे आप लोग जिसमें आफ्ताब इकबाल भी है मैं भूल गई कि वजाहत सईद आफ्ताब इकबाल मेजर आदिल राजा मेहदी हैदर मेहदी और ये एक नया कैरेक्टर आप सुन रहे हैं आरजू काजमी हमारा इस वक्त भी हदफ मेजर गौरव राजा थे मेजर, मेजर गौरव आर्या माफ कीजिएगा और मेरी तबीयत चूँकि ठीक नहीं है इसलिए फंबलिंग हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा कहीं फिसल जाए ज़बान तो आपने इन सब की ऐसी की तैसी करने के बाद आपने कहा कि क्या है हर जगह इकतदारी की जंग है ना इमाम हुसैन की जंग क्या थी नौजबिल्ला आपने कहा वो इकतदार की जंग थी आपके अब्बा कुछ और कहते हैं ठीक है तो कुछ उनसे ही सबक हासिल कर लिया होता आपने हुकूमत की जंग थी ना इकतदार की नज़ीर नाज़ी जी इकतदार की जंग में बड़ी फौजों और बड़े हाकिमों के सामने घर की चंद औरतें बच्चे और बूढ़े साथ लेकर कोई लड़ने के लिए नहीं जाता इस नजरिए को तुम दफन कर दो तो अच्छा है अपने वरना दुनिया ही तुम्हारे लिए दोजख बन जाएगी इंशाल्लाह पूरा यकीन है अब आओ तुम इस तरफ़ कि तुमने कहा कि आसिफ गफूर ने यह कर दिया और आसिफ गफूर ने यूँ कर दिया एक दफ़ा आपने मुझसे भी ये बात की थी जब वो डी जी आई एस पी आर थे और आपने उनको ठीक ठाक गालियाँ देकर कहा था देखें वो एक बड़ा बुरा सा लफ्ज़ उस लड़की के लिए इस्तेमाल किया था महाविश हयात के लिए कि उसको सतार इम्तियाज़ दे दिया जबकि मुझे पता चला आपके अब्बा ने आपके लिए भी सिफारिश की हुई थी बहरहाल तो वो जैसी भी थी वो औरत वो थी ही उस तरह की वो कुछ छुपा के वो काम तो कर नहीं रही थी कि सहाफत के आड़ में या मजहब की आड़ में बैठ वो कोई और काम कर रही हो तो सीधी एक नाचने वाली एक गाने वाली एक मॉडल एक ऐसी औरत थी जिसके लिए माशरे के लिए बहुत आ, आ, आसान होता है उस पर पत्थर फेंकना वो मुनाफ़ नहीं थी कम से कम शी वॉज नॉट हिपोक्रेट एट ऑल वो एक्ट्रेस थी उसने अपनी वुमन कंसेशन लेकर आसिफ गफूर ने उसके लिए सितारे इम्तियाज़ रिकमेंड किया मिल भी गया उसको सारा कुछ लेकिन ऐसी तो सैकड़ों खातन हैं ऐसी सैकड़ों खतानी हैं जो एक्ट्रेस तो नहीं हैं में तो नहीं है पब्लिक फिगर उस तरह से नहीं है जैसे ये बेचारी हमारी नाचने गाने वालियाँ होती हैं तो ये जो दोहरे मैार हैं ना आपकी ज़िंदगी के यही बताते हैं कि आप ना अपने रसूल को पहचान सके और ना आप वतन की मोहब्बत के बारे में ये जान सके कुरान में इसके लिए कहा है कहा आपकी एक आयत है जो इस वक्त मुझे जहन में नहीं आ रही है लेकिन मैं आपको ज़रूर कोट करूँगी वो शजर से है कि शजर है ये ज़मीन जो है इसकी जड़ें हमारी जड़ें हमारे शजर में हमारी ज़मीन ये उसके मफहूम है उस आयत के मैं ज़रूर इनशा तबीयत अगर ठीक रही बशरत ज़िंदगी मैं इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करूँगी और भी मुझे सुनने वाले अगर चाहें उनके पास कोई और मालूम हों रसालत में आप सल्लासम जब हिजरत कर रहे थे तो आप बार 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 मुड़ कर कबले की तरफ देखते थे अपने हरम की तरफ अपने घर की तरफ जहाँ मक्के में आप जिस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह को अपने रसूल की ये बार बार मुड़ कर देखने की तकलीफ से इतनी तकलीफ हुई कि आपने कबला आपने कहा रसूल वही आई कि तुम दोनों तरफ किबले की तरफ़ को किबला समझ के नमाज़ पढ़ सकते हो जिस की जगह मस्जिद कबला तैन बना दी गई अगर आपको कुछ अपने अब्बा से पूछ लीजिएगा मुझे नहीं मालूम उनको भी इस बारे में एक कोई इल्म है या नहीं मैंने तो बहरहाल आपका ये सुनने के बाद कुछ लोगों को कंसल्ट किया है चूँकि मैं इन मामला में कोई जिम्मेदारी नहीं लेती मैं कंसल्ट करती हूँ ताकि सारी ज़िम्मेदारी उस किताब पर हो जिसके हम मानने वाले हैं कलाम पाक पर हो रसूल पर हो और रसूल के असाब और आइमा पर हो तो अल्लाह ने इतना पसंद किया वतन से मोहब्बत को अपने रसूल की अपने महबूब की कि आपने दो क़िबले मस्जिद कबलतैन जिसका ये झगड़ा है आज के मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी पहले और आप मुड़ मुड़ कर हिजरत के वक्त उस जगह को देख रहे थे तो अल्लाह को ये बात ऐसी लगी अपने महबूब की कि कहा कि अब कबला तब्दील किया जाता है और जिस तरफ मेरा रसूल मेरा महबूब मुँह करके देख रहा है बार बार मुड़ मुड़ के उसको मस्जिद कबलातैन कहते हैं अगर कभी उम्र पर या हज पर जाने का इतफ़ा आपको या आपके ख़ानदान में किसी को हुआ हो तो उनसे पूछ लीजिएगा कि मस्जिद कबलातैन की तारीख क्या है ये दो कबला तब्दील होने की तारीख़ है अब तो बहुत बच्चे बच्चे की ज़बान पर है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप यूट्यूब पर जा देख लीजिए आप गूगल पर जा देख लीजिए कि मकदस के साथ फलस्तीन के मकदस के साथ मुसलमानों की वस्तगी किस वजह से है कि वो मुसलमानों का पहला कबला था जिस तरफ़ नमाज मुँह करके पढ़ी जाती थी फिर हज़रतली करमुल्ला वजहों ने क्या कहा इतनी बड़ी बात है वो इतनी बड़ी बात है और आप कोई ऐसी बात जो अपने रसूल की नशस्त में ना डिसकस की जाती हो वो कभी लोगों से नहीं कहते थे तो चूँकि आपका भी काम था कि जो चीज़ें मेरे और मेरे रसूल के दरमियान थीं वो मैं लोगों तक पहुंचा दूं। आपने कहा बड़ा हक है उस जमीन पर जो हमारा बोझ उठाए हुए है कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है ये वतन से मोहब्बत की दो मिसालें मैंने आपको दे दी कि ज़मीन अपनी ज़मीन से अपने वतन से जो मोहब्बत नहीं करता वो किसी से मोहब्बत नहीं करता कर ही नहीं सकता तो ये जो हमारी उस वतन के उस ज़मीन के जो मुहाफ़ हैं जो हमें बचा के रखते हैं हर मुसीबत से ख़ुद कुर्बानियाँ दे रहे हैं सारे जवान और हम हम मज़े से घरों में बैठे हुए हैं और हमारा काम है बस एक कलम हाथ में आ गया या एक माइक और कैमरा हाथ में आ गया और हम हमने उधेड़ के रख दिया है सबको क्या फ़र्क़ है अब मुझे बताइए मेजर आदिल राजा में मोहित पीरजादा में हैदर मेहदी में आरजू काजमी में और इस मेजर गौरव आर्या में मैं ज़्यादा इज़्ज़त करूंगी इस वक्त मेजर गौरव आर्या की चूँकि वो हमारा दुश्मन है ना उसका मज़हब ये है जो हमारा है ना उनके रसूल वो हैं जो हमारे हैं ना उनके इमाम और असाब वो हैं जो हमारे हैं वो जो कुछ कर रहा है हमारी दुश्मनी में उसको जायज़ है वो अपने वत उसकी भी वहां तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो जो कुछ कर रहा है अपने वतन की मोहब्बत में कर रहा है अपने वतन की मोहब्बत में कर रहा है हमारे लिए वो दुश्मन ज़रूर है लेकिन अपनी ज़मीन और अपने लोगों से वफ़ादार है शर्म आनी चाहिए आपको अनेक आपको शर्म आनी चाहिए तो ये है वतन की मोहब्बत और आखिरी बात कह के गुफ्तु ख़त्म करूँगी चूँकि मैं बिल्कुल आई एम नॉट वेल मुझे वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है और मैं अपना आखिरी जुमला कहना चाहती हूँ मुझसे बेताशा लोगों ने पिछले पच्चीस तीस बरस में ये सवाल पूछा है मैं भी चाहती तो आपकी तरह हालांकि आपको तो उन्होंने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई किसी ने भी आपके तो अब्बा फौजियों से भी वही मराठ लेते रहे हैं और आप भी मुझ पर बेनजीर के दौर में डी जी आई एस आई ने मर्डर अटैक कराया जनरल जावेद अशरफ काजी ने लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कहती इन लोगों को मैंने कहा इसलिए कि वो एक इंडिविजुअल था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के ख्वाब देख रहा था उसको मोहतरमा एक अपने लिए एक सीढ़ी नज़र आती थी वो उनकी मोहब्बत में कर रहा था और मोहतरमा को भी नहीं पता था लेकिन पीपल्स पार्टी वाले वो लेटरल एंट्रेंट और वो कोटों पर आए हुए जाहिल सिंधी जिन्होंने पीपल्स पार्टी का दामन पकड़ा हुआ था हर काम के लिए उनको मैं बहुत खटकती थी और मुझे उन्होंने इस्लामाबाद में 22 साल इस पीपल्स पार्टी ने मुझे चैन से नहीं रहने दिया मेरे खिलाफ़ एजेंसियों को भड़काया एजेंसियों से मेरे खिलाफ़ रिपोर्टर पार्टी करवाई लेकिन फिर क्या हुआ फिर उन्होंने ही मेरी मदद की जब मैंने जनरल वहीद काकड़ से इनकी शिकायत की उन्होंने पूरी इंक्वायरी कराई और फिर कोर कमांडर जिसको चढ़ाकर मेरे खिलाफ खत लिखवाया गया था कि मैं एम की एजेंट हूँ मैं डाई हार्ट शिया हूँ ताकि कहीं तो फंस जाए ना और फिर उसी जर्नैल ने फाइव कोर के कोर कमांडर ने खत लिखा मिनिस्टर इंटीरियर को कि मुझे मिसगाइड किया गया था आई वॉज बाय बाई चीफ मिनिस्टर सिंध अब्दुल्ला शाह ये काम यह काम हमारे सिविलियंस और हमारे आप जैसे सहाफी सो so कॉल्ड और ये हमारे सियासतदान ये नहीं करते ये नहीं करते ये उसी फौजी ने किया वो हमारी तरह के इंसान है फरिश्ते नहीं है वो मुझे हर जगह इदारों की तरफ से तहफ़ मिला इदारों से मुराद ये कि जब मैंने कंप्लेन की दो दफ़ा की है एक दफ़ा इस जनरल जावेद अशरफ गाजी की दूसरी दफ़ा यहाँ का सेक्टर इंचार्ज था अनबारो लुदात उसने भी मेरे खिलाफ सेक्ट्री इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद के साथ मिलकर जिसे आप सब लोग खूब गालियाँ देते हैं मेरे सामने आपने कुंवर दिलशाद को बहुत गालियाँ दी हैं जब आप दुनिया टी में थे उस कुंवर दिलशाद के कहने पर उस सेक्टर इंचार्ज ने सिंध के मेरे खिलाफ खत लिखा और शाजिया मरी पे हर जगह आपको पीपल्स पार्टी मिलेगी मैं इसलिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ हूँ उसके घर बैठकर मेरे घर पर गंदे थ्रेड्स कॉल्स करता था टेलीफोन पर मैंने वो सब कंप्लेन जनरल राहि शरीफ को की मुझे वहाँ से मदद आई इंक्वायरी शुरू हुई उसकी लेकिन अभी वो इंक्वायरी मिड ऑफ द इंक्वायरी विद इन डेढ़ डेढ़ महीने के दरमियान में एक डेढ़ महीने के दौरान में अल्लाह ने उसको वो सजा दी वही सजा जो जावेद अशरफ काजी को मिली वही इसको मिली और जावेद अशरफ काजी का वो स्टाफ ऑफिसर जिसने मुझ पर मर्डर अटैक किया था उसको जावेद अशरफ ने जब उसकी कंप्लेन हुई तो वहां से भगा दिया था उस कर्नल को कर्नल नहीं था वो मेजर था नाम के साथ कर्नल लगाता था, था कवर नेम के तौर पे, वो भाग गया हॉलैंड और उसके बाद वहां से मरा इतने बुरे तरीके से कि लाश मॉचुरी में पड़ी रही उसकी डेढ़ महीने तक उसके घर वाले भी लाश लेने नहीं गए बहुत अच्छे घर से उसका ताल्लुक था चूंकि वो गिलाजतें उसकी ज़िंदगी में थी शराब औरत एक शादी दूसरी शादी तो उसकी फैमिली ने अपनी उसकी बीवी का साथ दिया उन्होंने बड़ी मुश्किल से कोई गया गालिबन उनके यहाँ से एक साहब थे सिग्नल्स के जनरल थे जनरल असलम हारून गालिबन उनका नाम था वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं लाश ले आएँ लाश तो यहीं दफन होगी ऐसे अंजाम हमने देखे और इस अनबारुदा का भी हाल बहुत बुरा हुआ इसको भी ये इस बिल्कुल फ़िरन बना हुआ था ये कहता था ऊपर खुदा है और नीचे हदा है मैंने इसको कहा था बच्चू ये मैं तुझे बताऊँगी कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है ऊपर वाले को जो लोग इतना इतना बेखबर समझते हैं वो आप ही जैसे लोग होते हैं वो ये हैदर मैदी जैसे लोग होते हैं और बात शुरू करेंगे वही अल्लाह सुबहाना तआला और पता नहीं क्या क्या और हरकतें देखें इनकी इतने बड़े मर्द हैं ना ये सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया है ये यहाँ आए पाकिस्तान आए और यहाँ बैठ के करके दिखाएं ये सारा कुछ इसलिए मैं कहती हूँ ये आरजू काजमीन सबसे इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ बैठ के काम कर रही है और जितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ फ़ौज के खिलाफ और मुल्क के ख़िलाफ़ उनको किसी ने कुछ कहा क्या उनको एजेंसियों ने मारा मगर ये तो वो सोचेगा जिसके पास सोचने के लिए अक्ल भी साथ दे रही हो जिस दिमाग में भूसे भरे हुए हों और सिर्फ अपने मतलब की बात समझते हो जो दिमाग आप जैसे मैं आपके वालिद की तरफ नहीं जाऊंगी, वो यहीं रहते हैं लाहौर में लेकिन उनसे मैं ये बात ज़रूर करूंगी कि ये आप ही का बेटा है लगता तो नहीं हरकतों की वजह से तो ये आपके दिमाग में जो भरा हुआ है तो मैं आपको बता दूं मैं इस फौज से मोहब्बत के बारे में कई दफ़ा बता चुकी हूं और आज आखिरी बार नहीं बता रही जब जब कोई अनिक नाजी जब जब कोई हैदर मैदी जब जब कोई आदिल राजा जब जब कोई मोहित पिरजादा ये बात पूछेगा यही कहूंगी कि इस फौज को और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिनके नाम पर इनका सबसे बड़ा एजाज़ है निशान हैदर दुनिया के कितने इस्लामी मुल्क हैं जिनके जिनके यहाँ सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर है एक इस्लामी मुल्क का नाम ले दीजिए किसी शिया स्टेट का नाम ले दीजिए क्या ईरान में या इराक में या जहां जहां मेजॉरिटी है अहल तशी मौजूद हैं, अगर आपने उनको जागीर समझ लिया शियों की माफ कीजिएगा रसालत माप किसी मुसलमान की जागीर या हजरत अली करमल्ला वज़ो किसी मुसलमान की किसी शिया की किसी सुन्नी की जागीर नहीं है आप रहमतुल्ल आलमीन हैं इसलिए कोई मुसलमान किरदार ऐसा हो कि शर्म आए किसी उम्मती और औलाद को ये कहते हुए कि वो हम उनकी औलाद हैं या हम उनके उम्मती हैं और हरकतें ऐसी हों कि मुशरक़ों से भी बदतर हों तो किरदार बहुत बड़ी चीज़ है ये याद रखिएगा आप अनीक नाजी साहब आपने यूट्यूब बनाया हुआ है ना जवाब दीजिए मेरी इस बात का चलिए यहीं से शुरू हो जाइएगा आपको तो यही नहीं पता कि नज़रिए जंग में और ज़मीन से बड़ा नज़रिया कोई नहीं होता ये याद रखिएगा दो चार जर्नैलों ने प्लॉट करप करप्शन कर ली तो आपने पूरी फ़ौज को आपने जलील करके रखा हुआ है कितने फ़ौजियों के पास बड़े बड़े प्लॉट जो उनको हमें भी मिलता है सिविलियंस को एक प्लॉट मिलता है चाहे वो निचले दर्जे के ग्रेड में हो चाहे वो बीस इक्कीस बाईस में हो सबको मिलता है अपने अपने उहदे और रुतबे के हिसाब से वो जायज़ है वो हमारा हक़ है ये तनख्वाहें बढ़ती हैं तो सबकी बढ़ती हैं वो बाईस इक्कीस सिर्फ नहीं देखा जाता वो हमारा हक़ है तो वहाँ उनको भी कुछ मरात हैं चूँकि वह हमसे ज़्यादा काम करते हैं उनकी मेहनत उनकी एनर्जी हमसे बहुत ज़्यादा खर्च होती है तो अगर उनको कुछ मिलती हैं मरात तो वो उनके उहदों की वजह से मिलती हैं उनके काम की वजह से मिलती हैं सहाफ़ी क्यों जाके लेते हैं प्लाट हुकूमतों से कितने सहाफ़ियों का नाम लूँ बशमूल आपके वालिद कि आप लोगों ने हुकूमतों से कितने प्लाट लिए हैं आपको सिर्फ फ़ौज नज़र आती है अब मैं तो इस लायक ही नहीं रही मेरी ज़बान के मेजर गौरव आर्या पर करना था आज मुझे चूँकि वो भी बहुत उछल रहे हैं वो वो तो उनका उछलना जो है ना वो सब समझ में आता है वो अपने वतन की मोहब्बत में कर रहे हैं ये सारा कुछ और हम क्या कर रहे हैं अब हिम्मत मेरी नहीं है कि मैं अगला क्लिप कर सकूं तो मेजर गौरव आर्या आपके साथ ये उधार रहा और आपने अभी पिछले तीन चार क्लिप्स जो किए हैं आ, उन पर आपसे बात होगी खुदा हाफिज़ शान हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं